अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अबीद। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम DNS पे जो है वो वर्क कर रहे थे। हमने DNS जो है कॉन्फ़िगर किया था विंडोज सर्वर 2012 में। इसके बाद जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन क्या होते हैं वो भी हमने कॉन्फ़िगर करके देखा था। एलियस क्या होते हैं वो भी जो है वो हमने कॉन्फ़िगर करके देखा था अपनी लास्ट वीडियो में। इसके अलावा जो है वो हमने राउटर जो थे कौन कौन से राउटर होते हैं जो एज आ DNS पूरी वर्ल्ड में जो है वो काम करते हैं थे वो भी हमने देखा था। तो आज जो है वो हम DNS का एक बैकअप बनाएंगे। DNS का जो है वो प्राइमरी जोन के आज जो है हम एक सेकेंडरी जोन बनाएंगे, ताकि अगर हमारा एक DNS जो है वो क्रैश कर जाता है या एक DNS जो है वो ख़राब हो जाता है तो बैकअप के तौर पर हमारे पास दूसरा जो है वो DNS मौजूद होगा। मैंने VMware के स्टेशन मशीन में जो है वो विंडोज सर्वर जो है वो 2012 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से जो है वो हम ये मेरा सर्वर है, हम यहाँ से सर्वर मैनेजर जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये जब तक सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है तब तक हम दूसरे सर्वर को भी देख लेते हैं। सर्वर को जो भी है हम लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड देंगे हम। तो ये जो है वो हमारा DNS सर्वर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने DNS जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो टूल्स में जाके DNS की जो है वो ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो DNS का ओवरव्यू। ये आपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट जोन के नाम से जो है वो हमने एक प्राइमरी जोन बनाया हुआ था। ठीक है, ये जो है वो हमने मैनुअली जो है वो रिकॉर्ड जो है वो इंटर किए थे। ठीक है, ये रिवर्स लुकअप जोन है। ठीक है, रिवर्स लुकअप जोन में भी जो हम आपने देख सकते हैं कि हमने ये जो है वो मैनुअली इंटर किए थे रिकॉर्ड। ठीक है, तो आज जो है वो हमने प्राइमरी का जो है वो एक सेकेंडरी जोन बनाना है। इसके अलावा जो है ये ट्रस्ट पॉइंट्स जो है इसके अच्छा ये है कंडीशनल फॉरवर्डर्स। अच्छा, ये कंडीशनल फॉरवर्डर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बाज़ का तो आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी जो है वो अगर कोई चीज़ ओपन करने की कोशिश करते हैं हम, या मैं बिलफर्ज एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं यूट्यूब ओपन करने की कोशिश करता हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूट्यूब चलाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं जैसे यूट्यूब ओपन करूँगा तो हमारे यूट्यूब ओपन नहीं होगी। यूट्यूब ओपन होने की बजाय हमारी कंपनी का जो लोगो है ना वो ओपन हो जाएगा। वो कंपनी का लोगो जो है वो कैसे ओपन होगा, हालांकि हमने तो यूट्यूब ओपन किया है, तो वो कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, वो कहते हैं कंडीशनल फॉरवर्डर से। कंडीशनल फॉरवर्डर ये होता है कि अगर आपके पास यूट्यूब ओपन नहीं हो रही तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा। अब बिलफर्ज मैंने यूट्यूब ओपन की, यूट्यूब तो बैन है, वो तो ओपन नहीं होगी, तो यूट्यूब ओपन होने की बजाय किसी और जो है वो आईपी एड्रेस को ओपन कर देना, वो कहलाता है कंडीशनल फॉरवर्डर्स। ये कंडीशनल फॉरवर्डर इसीलिए यूज़ है, न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप DNS का डोमेन या यहाँ पे आप आईपी एड्रेस साइन करेंगे, कोई भी आप यहाँ पे आईपी साइन में अब मेरे पास कन्फिगर नहीं है इस टाइम, लेकिन फिर भी जो है वो मैं एक आईपी इंटर करके देखता हूँ अगर वो ले ले तो। यहाँ पे आप कोई भी कंडीशनल फॉरवर्ड कोई भी जो है वो ये उसने जो है वो नहीं लिया। इसका ये होता है कि आपने जो है वो एक वैलिड जो है वो आईपी एड्रेस देना पड़ता है, जिस पे जो है वो आपने कोई डिज़ाइनिंग की हो, ताकि अगर कोई वेबसाइट का हो वो वाला आईपी एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉरवर्डर्स में लगाना होता है। जिससे क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ओपन की, अगर वो चीज़ ओपन नहीं हो रही, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ पर आपकी एक्सेस नहीं हो रही, तो उसके बदले में जो है वो आपके पास कंडीशनल फॉरवर्डर्स में जो आईपी लगा होता है वो जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो है वो हमारा DNS सर्वर है। ठीक है, अब हम जो है वो सेकेंडरी जो है हमारा ये दूसरा सर्वर है। ठीक है, इस पर जो है वो अभी हमने DNS जो है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो हम पहले इस पर जो है वो DNS का फीचर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। रोल नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो हमारा सर्वर है और यहाँ पर हमने करना है DNS सर्वर। ठीक है, ऐड फीचर करेंगे और नेक्स्ट करके इसको अगर जो है ये नेक्स्ट करेंगे, रीस्टार्ट मांगेगा तो भाई रीस्टार्ट कर देंगे इसको और इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इधर ही जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम इसका जो है वो एक
बैकअप के तौर पे जो है वो सर्वर तैयार करेंगे, ताकि अगर हमारा जो है ये वाला सर्वर क्रैश कर जाता है, ख़त्म ही हो जाता है या इसमें कोई मसला आ जाता है, तो हमारा DNS के तौर पर जो बैकअप सर्वर होगा वो ऑटोमेटिक जो है वो अप हो जाएगा, वो वर्क करेगा। इसी तरह जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का डिले टाइम जो है वो नहीं आएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे जो है पहले कनेक्टिविटी भी चेक कर लेता हूँ इनकी। यहाँ पे देख लेते हैं इनकी कनेक्टिविटी आपस में बनी है, कोई पिंग चेक करके देख लेते हैं इनकी। अच्छा, हम अपने मेन सर्वर पे आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हम पिन चेक करेंगे 192.168.1.100 जो है वो हमारा DNS है, उसको पिंग करेंगे तो वो पिंग जो है वो हो रहा है, रिप्लाई हमें आ रहा है। इसका मतलब जो है कनेक्टिविटी जो है वो बनी हुई है और ये सिस्टम जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं सर्वर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, और यहाँ पे रूट हिंट्स, ये रूट हिंट्स क्या होते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में जो है वो कवर किया था। और ये हमारे पास फॉरवर्डर्स, सर्वर फुली क्वालिफाइड, ये हमारे पास फॉरवर्डर्स हैं जो कि हम रूट हिंट्स के तौर पे ही यूज़ करते हैं, कि जैसा कि जो है वो हमने कंडीशनल फॉरवर्डर्स में देखा था कि अगर ये चीज़ ओपन करें तो वो ना हो रही हो तो इसके बदले में जो है वो कंडीशनल फॉरवर्डर्स ओपन हो जाए। इसी तरह यूज़, ये देखिए नीचे आ रहा है यूज़ हिंट्स ऑफ नो फॉरवर्डर्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी फॉरवर्डर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं 192 डॉट अभी जो है वो, क्योंकि हमारे दूसरे सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ तो पहले वो इंस्टॉल हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर तब समझ आएगा जब हम जो है वो डोमेन जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। जब हम एक बार डोमेन जो है वो बनाएंगे तब इसके, तब भी हम जो है वो एक बार सर्वर को DNS को जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें जो है वो ये कंडीशनल फॉरवर्डर्स और फॉरवर्डर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो आप समझ सकेंगे। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा सर्वर है, ये जो है हमने बना लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्डर और ये हमारे पास रिवर्स फॉरवर्डर, जहाँ पे हमारे पास कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू जोन बनाऊँगा, न्यू जोन में नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे सेकेंडरी जोन। हमारा जो मेन सर्वर था उस पर तो हमने प्राइमरी जोन बनाया था, लेकिन इस पर जो है वो हमने सेकेंडरी जोन बनाना है। यहाँ पे जो है वो हम जोन का नाम देंगे, हमारे जो है जोन का क्या नाम है, फर्स्ट जोन, जो हमारे सर्वर मेन जो हमारा प्राइमरी है जो उसी का नाम है, वही नाम जो है वो हमने यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट जोन लिखा, यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे अपने DNS का जो है वो IP टेस्ट लिखेंगे, हमारा जो है 1.100 है। यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। तो ये देखें, ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट जोन जो है वो बन गया हुआ, लेकिन जोन जो है वो अभी कह रहा है कि लोड जो है वो नहीं हुआ। तो अभी हम जो है इसको लोड भी करेंगे, पहले जो है वो हम जो है दूसरे का भी बना लेते हैं, IPv4 का बनाना है। नेटवर्क ID यहाँ पे देंगे हम, क्या हमारी नेटवर्क ID कौन सी थी, 192.168.1.0 वाली, ये हमारी नेटवर्क ID आ जाएगी। और यहाँ पर हम जो है वो अपने सर्वर का IP एड्रेस देंगे, तो ये हमारे IP एड्रेस आ गया, और इसको जो है वो फिनिश कर देंगे। अच्छा, अब जो है वो ये देखें, यहाँ पे जो है वो अभी जोन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो सर्वर पे आना पड़ेगा अपने, और फर्स्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, और यहाँ पे ये देखें लिखा आ रहा है जोन ट्रांसफ़र। अच्छा, इसके पहले हम ये नेम सर्वर वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा एक ही सर्वर आ रहा है, लेकिन हमने दो DNS बनाए हैं, एक बैकअप के तौर पे, तो हम यहाँ पे दूसरे वाला भी जो है वो अपना ऐड करेंगे, वो जो है वो हमारा 200 है। अभी जो है वो कह रहा नहीं है, अच्छा तो एक मिनट। अच्छा, अभी हम पहले यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, और यहाँ पे जोन ट्रांसफ़र। अच्छा, अलो जोन ट्रांसफ़र ये आ रहा है टू एनी सर्वर, ओनली टू सर्वर इन दी नेम सर्वर टैब, ओनली टू दी
फॉलोइंग सर्वर, ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं कि हमने ज़ोन ट्रांसफ़र अपना जो है वो किस तरह करा है। ज़ोन ट्रांसफ़र किसी भी सर्वर के साथ कर सकते हैं या स्पेसिफिक सर्वर के साथ करना है, या जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिर्फ उसके साथ करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर वो 200 को रिजोल्व करता है कि नहीं करता है। अच्छा, हमने ज़ोन ट्रांसफ़र करना है टू एनी सर्वर करते हैं इसको और अप्लाई करके ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं, इसके बाद जो है वो रिवर्स लुकअप ज़ोन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और यहाँ पे ज़ोन ट्रांसफ़र में आते हैं टू एनी सर्वर जो है वो इसको करके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो है वो मैंने कर दिया, इसको जो है वो हम रिफ्रेश करेंगे और अब हम जाएंगे दूसरे सर्वर पे, यहाँ पे जो है वो हम रिफ्रेश करेंगे कि देखेंगे कि ज़ोन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं होते। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे ज़ोन ट्रांसफ़र जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं और ज़ोन ट्रांसफ़र टू एनी सर्वर अप्लाई एंड ओके करेंगे, इस पर भी जाएंगे और ज़ोन ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर करते हैं इसको, इसको भी करेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर और हम इसको जो है वो रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो आगे हुए हैं, रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास जो है वो रिसीव हो रहा है। अब देखिए ये देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन में ये जो है वो हमने बनाए हुए थे, ये मैनुअली इंटर हमने की थे, दो हमारे पास क्लाइंट थे और एक जो है वो हमारे पास एलियस था। इसके बाद ये वाला जो है वो हमने बनाया था पीटीआर, इसमें भी ये देखें दो हमारे पास क्लाइंट और एक जो है वो हमारे पास एलियस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे पास ये भी आ रहे हैं। इस अब यहाँ पे जो है ये हमारा मास्टर सर्वर है, यहाँ पे जो है वो हम एक जो है वो इंट्री करेंगे अपने जो है वो दूसरे सर्वर की। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम क्या है हमारा, सर्वर 02 और इसका आई पी एड्रेस लिखेंगे जो है वो हमारा 1.200। चाहे इसको मैंने गलत लिख दिया, 1.200 इसको जो है वो हम होस्ट को अपने को ऐड करेंगे और इसको डन करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम पीटीआर में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू पीटीआर बनाएंगे, इसका जो है वो आईपी एड्रेस हमारे पास 200 और नेम उसका हमारे पास क्या है, सर्वर 02 जो है वो हमारा दूसरा सर्वर है, ओके करेंगे। तो ये देखें जाइए हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड जो है वो बन गए हुए हैं। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड है हमने मेन सर्वर पर बनाए हैं, तो हम दूसरे सर्वर पर जाते हैं अपने बैकअप सर्वर में, तो वहाँ पे देखते हैं कि अभी तो देखें यहाँ पे 200 वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो हम जो है वो इसको लोड करते हैं और थोड़ी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जिससे जो है फिर जो है वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अपडेट जो है वह हो जाएगा ज़ोन फ्रॉम मास्टर और रिफ्रेश करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो 200 वाला रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, अब नेम सर्वर जो है हमारे पास एक आ रहा है, इसको जो है वो हम अभी सर्वर 02 करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास दूसरा सर्वर भी जो है वो अब आ गया, पहले जो है ये नहीं था आ रहा, लेकिन अब जो है वो क्योंकि ज़ोन ट्रांसफ़र हमने किया है तो हमारे पास जो है वो आ गया। ये तो था, अब हम जो है इसमें भी जाएंगे, इसका भी देख लेंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन में, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जो है वो आ गया हुआ है ऑटोमेटिक, और रिवर्स लुकअप जोन में भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे जो है वो हम इसको जो है वो सर्वर 02 करके रिजोल्व करेंगे, तो आईपी एड्रेस उसने ऑटोमेटिक ले लिया हुआ, ओके कर देते हैं। अच्छा, ये देखें ये हमें बता रहा है कि हमारे पास एक दो नेम सर्वर हैं, एक हमारे पास सर्वर 1 है और एक हमारे पास सर्वर 2 आ रहा है। एक जो है वो हमारे पास 20 के नाम से क्लाइंट है जो हमने इसका एलियस बनाया था, एक हमारे पास सेम एज पेरेंट पॉइंटर पीटीआर अबीर, और एक हमारे पास 200 के नाम से है और एक हमारे पास जो है वो 30 के नाम से है। इसी तरह हम जाएंगे हम दूसरे सर्वर पर अपने क्लाइंट वाले पे, इस पर जो है वो हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। नेम सर्वर यहाँ पे एक है, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, इस वजह से जो है वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, ये देखें यहाँ पे सर्वर 02 की एंट्री जो है वो यहाँ पे आ गई हुई है, हमने इसको रिफ्रेश किया, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए ये एंट्री थोड़ी लेट आई है, 200 की एंट्री आ गई यहाँ पर।
और यहाँ पे पॉइंटेड कार्ड में भी 200 की एंट्री जो है वो यहाँ पे जो है वो अभी नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो यहाँ पे अभी जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये देखें 200 की एंट्री जो है वो आ गई हुई है। तो अगर अब जो है हमारे पास दो DNS वर्क कर रहे हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अब क्या होगा अगर हमारा प्राइमरी जो है वो बिलफर्ज अगर क्रैश कर जाता है, हमारा प्राइमरी में अगर कोई मसला आ जाता है, तो फिर भी जो है वो हमारा जो बैकअप के तौर पर हमने बना लिया है, अब सेकेंडरी जोन वाला वो जो है वो वर्क करेगा। जैसे जैसे रिकॉर्ड जो है वो हम यहाँ पे इंटर करते रहेंगे, वो जो है रिकॉर्ड हमारे दूसरे सर्वर में भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। अच्छा, हम इस जोन की प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ जो है यहाँ पे तो नहीं आ रही, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सर्वर में देखते हैं, यहाँ पे जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं। यहाँ पे फॉरवर्डर्स, फॉरवर्डर्स के लिए यहाँ पे जो है वो हम अपना जो है दूसरा करके देख लेते हैं, अगर वो रिजॉल्व होता है तो, अदरवाइज़ ये जो है फिर जब हम डोमेन जो है वो बनाएंगे तब जो है वो हम फॉरवर्डर्स को डिस्कस करेंगे, डोमेन के थ्रू जो है वो हम जो है वो फॉरवर्डर्स कन्फिगर करेंगे। बाकी DNS में जो है वो हमने पहली वीडियो में हमने देख लिया था DNS कैसे कन्फिगर करते हैं, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन क्या होते हैं, इनको कैसे जो है वो कन्फिगर किया जाता है वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। और अब जो है आज की वीडियो में हमने सर्वर का बैकअप भी जो है वो तैयार किया। ये देखें ये जो है इसने रिजोल्व कर लिया हुआ है, फॉरवर्डर्स के तौर पर जो है वो आ गया है। अब जो है यहाँ पर अगर हम एक और फॉरवर्डर्स लगा लें अपना ही सर्वर तो क्या वो लेगा यहाँ पर, अभी ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देखते हैं कि ये दोनों फॉरवर्डर्स जो है वो लेता है कि नहीं लेता। बाकी जो एंट्री है जो भी हम रिकॉर्ड जो है वो अपने प्राइमरी DNS में इंटर करेंगे, वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जो है वो हमारे सेकेंडरी जो है उसमें जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो अप होता रहेगा, जिससे जो है हमारे अगर नेटवर्क में कोई मसला आता है, हमारा प्राइमरी DNS कोई मसला करता भी है, तो हमारा सेकेंडरी जो है वो एज इट पर करता रहेगा, जिससे जो है वो हमें कोई भी मुश्किल परेशानी जो है वो नहीं आएगी। तो ये दोनों फॉरवर्डर जो है उसने ले लिए हैं, इनको जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। कैन नॉट बी अपडेट द एप्लीकेशन वाला, ओके वो भी जो है वो क्योंकि हमारे हमने क्योंकि फॉरवर्डर जो हैं वो अपने ही DNS लगाए हैं, इसलिए उसने थोड़ा एरर दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।